let us take example for sinking fund method question. So I'm taking illustration number 7. On 1st April 2012, Apollo Limited issued 2012% debentures of rupees 100 each, repayable at par at the end of 3 years. तो हमें 12% डिबेंचर्स पहले इशू करने हैं जो कि पार पे रिडीम होंगे. तो पहले हम इशू की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख. अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप अ सिंकिंग फंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन. द इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%. The sinking fund table shows that 0.320348 invested each year amounts to rupees 1 after 3 years. इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर मैं आज की डेट में 0.320348 इन्वेस्ट करूं तो वो 3 साल के बाद 1 रुपया बन जाता है. मुझे 3 साल के बाद रिडम्पशन के लिए अमाउंट चाहिए 2 लाख रुपए. तो ये 2 लाख रुपए रिडीम करने के लिए मुझे 3 साल के बाद जब चाहिए तो आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये उसके लिए मुझे एक दिया कि इफ 1 रुपी इज रिक्वायर्ड आफ्टर 3 इयर्स देन 0.320348 एंड इफ 2 लाख रुपीज आर रिक्वायर्ड आफ्टर 3 इयर्स देन 0.320348 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख. तो यहां से मेरे पास अमाउंट निकल के आया इट इज 64070 जो कि मुझे एवरी ईयर इन्वेस्ट करना है. पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया. यस मैम. यस मैम. ओके. अब देखिए आगे जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई कि हमें हर साल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो हम एंट्री कर सकते हैं पहले साल सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट दैट इज 64070. ये अमाउंट हमने डाल दिया 64070 और फिर हमने उसी टेबल के अकॉर्डिंगली इस अमाउंट को उठा के इन्वेस्ट किया था. तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. हम एक काम भी कर सकते हैं कि जो हमने कल एक टेबल सीखी थी पहले हम वो बना लें. तो हमारे पास 3 साल हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. तो सबसे पहले हमने लिखा था इंटरेस्ट, उसके बाद हमने लिखा सिंकिंग फंड, उसके बाद हमने लिखा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. तो पहले साल कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने सिंकिंग फंड में डाला 64070 और इसी को हमने उठा के इन्वेस्ट कर दिया. अब इसके ऊपर हमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिलता है 4%. तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में इसके ऊपर 4% इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिला 2563. अब मैंने क्या किया, ये 2563 उठा के सिंकिंग फंड में डाल दिए और फिर इस साल की इन्वेस्टमेंट डाल दी 64070 इंस्टॉलमेंट डाल दी और इन दोनों को क्लब करके मैंने इन्वेस्ट कर दिया. तो मेरी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आ गई 66633. अब मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो इन दोनों को क्लब करके हो जाएगी 1,30,703.
और थर्ड ईयर में मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 4% एंड दैट इज 5228। अब मैंने इस साल का इंटरेस्ट भी सिंकिंग फंड में डाल दिया और इस साल की इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट भी सिंकिंग फंड में डाल दी। बट क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट को सेल करके डिबेंचर्स को रिडीम करना था तो मैंने यहाँ लिख दिया सेल। अब आप देखिए आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में पहली एंट्री आपको करनी है सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने की, तो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने की एंट्री पहले साल की कर रहे हैं। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड दैट इज 64070। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, इस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट खरीद ली 64070 की, तो मेरी एंट्री हो जाएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 64070। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में मेरी पहली एंट्री क्या हो जाएगी? यस बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, सेकेंड ईयर में मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2563। अब मुझे अमाउंट्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने पहले ही टेबल में कैलकुलेट कर ली है। अब ये वाला इंटरेस्ट किस में ट्रांसफर हो जाएगा? सिंकिंग फंड। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड 2563। उसके बाद ये वाली दोनों एंट्रीज रिपीट होंगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक आएगा उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट होगा 666333। क्लियर है सबको? थर्ड ईयर में फिर से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज 5228। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अब इस इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अगेन 5228। ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हमने इस साल की इंस्टॉलमेंट डाली, एंट्री की सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड दैट इज 64070। लेकिन इस साल हमने इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इन्वेस्टमेंट को सेल करना है और उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट पार, तो एट पार यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 130703। तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज 130703। अब इतने अमाउंट में क्योंकि ये पार की वैल्यू थी हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अब डिबेंचर्स को रिडीम करना है आपने, तो डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए आप क्या एंट्री करेंगे? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 2 लाख रुपीज, क्योंकि डिबेंचर्स तो 2 लाख के थे। एंड देन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज 2 लाख। और सिंकिंग फंड का बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में एंड दैट इज 2 लाख, जितना सिंकिंग फंड का बैलेंस होगा। अब मैं वापस टेबल पे जा रही हूं और आपको बता रही हूं कि हम इसके अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। ये हमने टेबल बनाई हुई है, तो अब देखिए सबसे पहले मुझे सिंकिंग फंड का अकाउंट बनाना है। तो मैंने ये सिंकिंग फंड उठा लिया जिसमें मैंने लिखा हुआ है 64070, उसके बाद मैंने लिखा है 2563, फिर 64070, 5228, 64070, और मुझे इसका अकाउंट बनाना है। तो मैं ये टेबल एक बार के लिए आगे दोबारा बना के आपको बताती हूँ। मेरे पास सिंकिंग फंड में मैंने सबसे पहले डाला था 64070, फर्स्ट ईयर में ये लिखा हुआ है उसमें टेबल में। सेकंड ईयर में मैंने जो इंटरेस्ट था वो डाला था दैट वाज 2563, और फिर इसकी अमाउंट डाली थी 64070 की। और थर्ड ईयर में मैंने फिर से इंटरेस्ट जो आया था 5228 वो भी सिंकिंग फंड में डाल दिया था,
और 64070 की इंस्टॉलमेंट भी डाली थी, तो ये मेरे पास दिया हुआ है। अब इससे मुझे सिंकिंग फंड का अकाउंट बनाना है, वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले मेरे पास जो फर्स्ट एंट्री मैंने की थी इसकी, तो इसकी एंट्री मैंने क्या की थी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो सिंकिंग फंड में क्या आ जाएगा, बाय सरप्लस, बाय सरप्लस आया 64070। पहले साल सिंकिंग फंड की और कोई एंट्री नहीं है, तो अकाउंट को क्लोज कर दीजिए और बैलेंस निकाल दीजिए, टू बैलेंस सीडी 64070, अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये अकाउंट बैलेंस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 64070। और इस साल मैंने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था, तो एंट्री क्या की थी मैंने, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, तो यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड 2563। फिर इस साल की इंस्टॉलमेंट डाली है मैंने, एंट्री हो जाएगी बाय सरप्लस, सरप्लस में से आया 64070। ये बैलेंस मेरा आ जाएगा इधर, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस आ गया मेरा 130703। अब इस बैलेंस को मैं यहां ले आई, बाय बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन दैट इज 130703। फिर इस साल का इंटरेस्ट आया, बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5228। और फिर बाय सरप्लस अकाउंट, जो लास्ट वाला जो सरप्लस होता है ना, वो हम इसको देख लेते हैं 2 लाख में से माइनस करके कि वो कितना आ रहा है, और जो 1-2 रुपए की एडजस्टमेंट होती है वो यहाँ कर देते हैं, जैसे कि इस केस में यहाँ आ रही है 64069। तो हम यहाँ पर एंट्री में भी यही चेंज कर देंगे और इसको आप बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे टू जनरल रिजर्व 2 लाख। तो आप देखिए, जो मैंने आपको टेबल बना के दी थी, उसी टेबल में से सीधा सीधा आपका सिंकिंग फंड का अकाउंट बन गया। अब इसी टेबल में से हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। इसी टेबल का जो थर्ड कॉलम था हमारा, उसमें हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिखी थी, जो कि पहले साल थी 64070, ठीक है। दूसरे साल सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमने मिलाकर की थी 130700, और तीसरे साल हमने इसको सेल आउट कर दिया था। तो अब ये दो, यही दो चीजें थी वहां पर, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लीजिए। हमने एंट्री की पहले साल सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, कितने की, 64070, यहां से हमें मिल गया, और हमने बैलेंस निकाल दिया कि हमारे पास पहले साल इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 64070। उसके बाद ये बैलेंस हमारा इधर निकल के आया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 64070, और मैंने इस साल फिर से इन्वेस्टमेंट नई खरीद ली टू बैंक अकाउंट, और मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट आई, 66633। अब मेरा बैलेंस कितना आ गया इन्वेस्टमेंट का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन 130703। अब ये बैलेंस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 130703, और मैंने इसको पार पर बेच दिया, तो बाय बैंक अकाउंट आ गया 130703, और ये मेरा बराबर हो गया। अगर मैंने ज्यादा या कम में बेचा होता तो मुझे लॉस या प्रॉफिट होता, जो कि मेरा सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो जाता। समझ में आया सबको? यस मैम। ओके।